Hello students, welcome back to my channel Fable Flies, and today's video we are continuing with our series of learning grammar basics in bits and parts. So in the last video of starting a new topic, we started a new topic, that is subject verb agreement, direct indirect pura maine padha diya hai, aap videos mere previous refer kar sakte ho. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने पहला पार्ट कर लिया था, जिसमें हमने आई थिंक 3 रूल्स किए थे सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब से रिलेटेड, और अब हम उसमें कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे. सो लेट्स स्टार्ट. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू और मोर देन टू नॉन नाउन, टू और मोर देन टू नाउन अगर नाउन है, दो या दो से ज़्यादा, या एडजेक्टिव्स हैं और वो जॉइंड हैं किसके थ्रू, एंड के थ्रू. मतलब दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव हैं या दो से ज़्यादा नाउन हैं और वो एंड से जॉइन हैं, लेकिन उनका जो मेन आइडिया है वो सिर्फ एक ही इंसान के बारे में डिस्कस किया गया है, तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. मतलब दो या दो से ज़्यादा नाउन हैं या एडजेक्टिव हैं, पर जो डिस्कशन हुआ है वो एक सिंगल आइडिया है, ओनली आइडिया है, ठीक है, तो उसमें हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे देखो, फिश एंड चिप्स आर माई फेवरेट. फिश एंड चिप्स किसके, एक इंसान के ही फेवरेट हैं, एक इंसान के फेवरेट है, तो उसकी जगह आर गलत हो जाएगा और इज यहाँ पे आ जाएगा. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यहाँ पे विन नहीं होगा, स्लो एंड स्टेडी विन, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है, क्योंकि एक ओनली आइडिया या थिंग डिस्कस किया गया है. पार्ट टू देखो इसका, टू अनकाउंटेबल नाउन्स, अगर टू अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, आप समझते हो अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर वो भी एंड से जॉइंड हैं, अगर उनको भी हमने एंड से जॉइन किया है, और दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो मतलब कि दो अनकाउंटेबल नाउन्स भी हैं और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स भी हैं, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो हम हमेशा कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. जैसे पोवर्टी एंड मिजरी कम, कम क्या है, प्लूरल, कम्स टुगेदर नहीं, कम टुगेदर, ठीक है, क्योंकि पोवर्टी अनकाउंटेबल नाउन है, मिजरी भी अनकाउंटेबल है और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो यहां हमने क्या यूज किया है, कम यूज किया है. तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, कि अगर दो या दो से ज्यादा नाउन या एडजेक्टिव्स एंड से ज्वाइन है लेकिन उनका आइडिया और थिंग जो डिस्कस किया गया है वो सेम है, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. अगर दो अनकाउंटेबल नाउन्स जॉइंड हैं एंड से और दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए, यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट था, मतलब सिंगल आइडिया डिस्कस किया गया था, अगर दो डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कस किए गए हैं तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे, होप यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर. थैंक यू.